नमस्कार साथियों, आज वाले क्लास में अपन जो अमेरिका के संविधान में दलीय प्रणाली है, दलीय व्यवस्था है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जो पिछले वाले क्लास थी उसमें अपन ने न्यायपालिका के बारे में अध्ययन किया। आज अपन पढ़ेंगे प्रतिनिधि दलीय प्रणाली, यानी कि अमेरिका में राजनीतिक दल उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सामान्यतः मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अमेरिका में जो दल है वो प्रमुख है, जो कि राजनीतिक दल है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, मुख्य दो ही राजनीतिक दल है वहां। तो दो राजनीतिक दल है, वो उन राजनीतिक दलों की विशेषताएं उनके बारे में कि उन राजनीतिक दलों की वहां जो है क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारत में बहुत से राजनीतिक दल हैं, सात जो नेशनल पोलिटिकल पार्टीज है, वहां नेशनल पार्टीज दो ही हैं। तीसरे राजनीतिक दल का विकास अगर वहां होता भी है तो वो अस्तित्व में आ नहीं पाता। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे आपको परीक्षा के संदर्भ में पूछा जाए कि अमेरिका में कितने राजनीतिक दल हैं, तो आपको दो ही लिखने हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। एक विचारक रहे हैं प्रोफेसर लास्की, वो कहते हैं कि एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। अमेरिका में केवल एक दल रिपब्लिकन कम डेमोक्रेटिक है, जो आधार और पद की ओर के कारण दो समान भागों में विभाजित है और जिसमें एक का नाम रिपब्लिक तथा दूसरे का नाम डेमोक्रेटिक है। जो पुराने जो अमेरिका का अपन इतिहास देखें तो लगभग शुरू से ही वो एक या दो राजनीतिक दल उसमें रहे हैं और अलग अलग विचारधाराओं के कारण ये साथ आगे राजनीति के तहत। तो अब अपन पढ़ते हैं कि उन राजनीतिक दलों की क्या विशेषताएं हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया है सबसे पहले द्विदलीय प्रथा, नवीन कृषि सिद्धांतों का अभाव, विचारधारा संबंधी अंतर का अभाव, दलों की व्यापकता, संविधान दलीय व्यवस्था का उल्लेख नहीं, लूट व्यवस्था और दबाव समूहों का प्रभाव, ये वहां की राजनीतिक दलों की विशेषताएं मैंने यहाँ लिखी हैं। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले मैंने लिखा कि द्विदलीय प्रथा, मैंने अभी आपको बता दिए कि जो अमेरिका में दो ही राजनीतिक दल है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो अमेरिका में दो ही जो राजनीतिक दल है, द्वि सर्वेसर्वा है। मैं आपको यह बताता हूँ कि अमेरिका में दो दलों की प्रधानता की प्रारंभ में वहां पर फेडरलिस्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन थे, फिर वहां फिक्स और डेमोक्रेटिक बने और आजकल वहां दो ही दल है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दल। वहां अन्य दल यदि मैदान में आते हैं तो भी निर्वाचन में सफलता के निकट नहीं पहुंच पाते, यानी कि जैसे तीसरा दल अस्तित्व में आता है तो विजय तक नहीं पहुंच पाता। देशव्यापी तीसरे दल के निर्माण के समस्त प्रयत्न विफल हो चुके हैं। मुनरो के शब्दों में यानी गांधी विचार रहे हैं, मुनरो कहते हैं कि जब दलीय व्यवस्था ठीक कार्य कर रही है तो तीसरी और चौथी पार्टी के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी कि दो दल अगर ठीक से काम कर रहे हैं तीसरी और चौथे के लिए वहां मौका नहीं मिलता। दूसरा दल ये लिखा है कि नब्बे दूर सिद्धांतों का अभाव, दूसरी जो विशेषता लिखे मैंने सिद्धांतों का अभाव क्या तात्पर्य से कि अमेरिकी राजनीतिक दलों के कोई निश्चित एवं स्पष्ट कार्यक्रम नहीं होते। दलों को अपनी नीतियों कार्यक्रम की व्याख्या करने और उन्हें क्रियान्वित करने की विशेष चिंता नहीं होती। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं इसके संदर्भ में कि अमेरिका के दोनों राजनीतिक दल दो बोतलों के समान है जिनमें अलग अलग नाम मात्र पर जो वास्तव में बिल्कुल खाली है, यानी कि ऐसी कोई उनमें विचारधारा या ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं होते कि वो अलग अलग चीजों को स्पष्ट करके वो चुनाव लड़े, यानी कि जो लॉर्ड ब्राइस है वो कहते हैं कि वो दो बोतलों के समान है जिनमें सिर्फ अलग अलग नाम है, बाकी वो बोतलें खाली है। तो इस प्रकार नकदीय सिद्धांतों का अभाव पाया जाता है। तीसरी विशेषता मैंने देखिए विचारधारा संबंधी अंतर का अभाव, यानी कि उनका अलग से कोई मैनिफेस्टो नहीं होता, कोई घोषणा पत्र, कोई विचारधारा नहीं होती, यानी कि विचारधारा संबंधी कोई आधारभूत अंतर नहीं होता। ब्रोगन इसके संबंध में कहते हैं कि अमेरिका के राजनीतिक दलों के नाम ऐसे है
जिनमें अमेरिका के सभी राजनीतिक विचारों की व्यापकता छिपी हुई है, और यदि किसी एक दल को एकदम अलग करना हो तो उससे कोई ऐसी विचारधारा नहीं मिलती जो उसके बाद के दल में ना पाई जाए। यानी कि विचारधारा संबंधित ऐसा कोई अंतर में नहीं होता। एक विचारक प्रेम लोगन को कह रहे हैं कि इसके संदर्भ में कि अमेरिका के राजनीतिक दलों के नाम ऐसे हैं जिनमें अमेरिका के सभी राजनीतिक विचारों की व्यापकता छिपी हुई है, और यदि किसी एक दल को एकदम अलग करना हो तो उसमें कोई विचारधारा नहीं होती जो उसके बाद के दल में ना पाई जाए। यानी कि लगभग सभी में लगभग विचारधारा जाती है। नंबर चार की बात करें कि दलों की व्यापकता जो अमेरिका में राजनीतिक है उनकी व्यापकता बहुत बड़ी है, यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिन पर उनका कोई प्रभाव ना हो। अमेरिका में जो राजनीतिक है वो सर्वव्यापक है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जो उनसे बचा हो। संघ राज्य स्थानीय इकाइयां सभी पर उनका प्रभाव इस व्यापकता के कारण दलों को वहां केंद्रीय सरकार भी कहा जाता है, या केंद्रीय सरकार भी कहा जाने लगा है। ब्रिटिश दलों की बात कठोर दलीय संगठन अनुशासन का अभाव है यहाँ, ठीक है। यानी ब्रिटेन के संदर्भ में हम बात करें तो वहाँ कठोर नियम और कठोर अनुशासन है, तो वहाँ अमेरिका में इस प्रकार का कठोर नियम और अनुशासन नहीं पाया जाता। दल के केंद्रीय संगठन और स्थानीय इकाई में भारत जैसा लिंक नहीं है। वे राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय ही सक्रिय दिखाई पड़ते हैं, शेष समय में प्राय निष्कर्ष ही रहते हैं। यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तभी भी वो सक्रिय रहते हैं, पूर्ण रूप से कार्य करने की प्रक्रिया में आते हैं, वरना वो पूरे अनुसार जो समय रहता है वो निष्क्रिय ही रहते हैं। लास्की जो है इसके संदर्भ में कहता है कि केवल निर्वाचन के समय ही वे राष्ट्रीय दल है, अन्यथा जो प्रभावशाली स्थानीय संस्थाएं हैं वे विचारों के इर्द गिर्द नहीं बल्कि व्यक्तियों के इर्द गिर्द संगठित होती है। यानी कि वो चुनाव के दौरान ही सिर्फ राष्ट्रीय राज्य दल की श्रेणी में आते हैं। अगले विशेषज्ञ पर बात करते हैं, संविधान में दलीय व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। कि जो अमेरिका का जो संविधान है उसमें दलीय व्यवस्था के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि दलों की उत्पत्ति, उनका विकास, संगठन सब कुछ परंपरागत है, संवैधानिक नहीं है। नंबर सात की ऊपर बात कर देंगे, लूट व्यवस्था इसकी, यानी कि स्पाई सिस्टम वहां पाया जाता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपति सत्ता में है, उससे पहले दूसरा राष्ट्रपति था, तो यानी कि अपने परिचितों को, अपने जानकारों को पदों पर लगाते हैं, पदों पर नियुक्ति करते हैं, यानी कि अपने मनपसंद के आधार पर पदों का बंटवारा होता है। यानी कि अमेरिकी दल व्यवस्था जो है स्वार्थपरक है, राजनीति में जो लोग सक्रिय रहते हैं उनका ध्येय व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति है, न कि सार्वजनिक हित की साधना। अमेरिकी दलों के साथ ऐसे लोग जुड़े रहते हैं जो बदले में कुछ निजी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, इसे मान लूट व्यवस्था यानी कि स्वर्ग सिस्टम भी कहा जाता है। यानी कि वो अपने हित साधना में लगे रहते हैं सभी स्वार्थों की पूर्ति के लिए, और जैसे ही उनका होता है तो उनको वो विभिन्न पदों पर लगाता है। नंबर आठ की बात करते हैं कि दबाव समूह का प्रभाव, यानी कि वहां के जो राजनीतिक दल है उनमें प्रसक ग्रुप का जो प्रभाव है ज्यादा देखा जाता है। दबाव गुटों का प्रभाव, दबाव गुट राजनीतिक दलों में सक्रिय रहते हैं और दबाव डालकर अपने समस्त स्वार्थों को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। दबाव गुटों की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए यह कहना प्रतीत होता है कि अमेरिकी राजनीतिक गुटों की राजनीति में परिवर्तित हो गई है। यानी कि वो गुट हैं और राजनीति में आने की पर्दे के पीछे रहकर वो एक तरह से काम कर रहे हैं और अपनी स्वार्थों की पूर्ति में वो लगे रहते हैं। तो ये अमेरिकी दलीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। आप नोट कर लीजिए जो कि द्वितीय प्रभाव, नैतिक सिद्धांतों का अभाव, विचारधारा संबंधी अंतर का अभाव, दलों की व्यापकता, ढीला संगठन, संविधान में दलीय व्यवस्था को लेकर व्यवस्था को दबाव समूहों का प्रभाव। तो ये मोटी मोटी जो अमेरिका में दलीय प्रणाली की विशेषताएं हैं वो मैंने यहां लिख दी, आप इनको नोट कर लीजिए। अब दूसरा टॉपिक अपन पढ़ते हैं कि अमेरिका में राजनीतिक दलों का क्रियाकलाप।
अमेरिका में राजन दलों के क्रियाकलाप कौन कौन सी क्रियाएं हैं, राजन दलों के संदर्भ में कौन से कार्य हैं? हाँ तो अपन यहाँ देखते हैं अमेरिका में राजन दलों का क्रियाकलाप यानी कि जो राजनीति है वहां का संविधान है उसमें राजन दलों का क्या महत्व है। तो यहाँ मैं लिखा हूँ संविधान के क्रियान्वयन में दलों का योगदान, कांग्रेस तथा कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना और निर्वाचन संबंधी कार्य यानी कि राजनीतिक दल है उन देश के संदर्भ में अगर बात करें तो क्या भूमिका है उनके क्या कार्य है वो यहाँ पर देखते हैं। तो पहला मैंने लिखा है कि संविधान के क्रियान्वयन में दलों का योगदान यानी कि जो संविधान की जो प्रथा है उसमें काफी प्रभाव राजनीतिक दलों का रहता है। तो जो अमेरिकी राजनीति दलीय व्यवस्था का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग रहा है तो उसके बिना अमेरिका की जनतंत्रीय व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। दोनों राजनीतिक दलों ने अमेरिकी संविधान को व्यवहारिक बनाया है, उसे आगे बढ़ाया है और उसे गति प्रदान की है। आज राजनीतिक दल ही अमेरिकी शासन व्यवस्था के विभिन्न पदों तथा निर्वाचनों के लिए व्यक्तियों का चयन करते हैं, प्रचार करते हैं, निर्वाचन के बाद संविधान के अनुरूप राजनीतिक ढांचे को चलाते हैं यानी कि संविधान में काफी संविधान का काफी महत्वपूर्ण भाग है जो राजनीतिक दलों के ऊपर काफी डिपेंड करता है। दूसरा लिखा है कि कार्यपालिका तथा कांग्रेस तथा कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। तो अमेरिकी शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक के कारण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक है, फिर भी यदि दोनों में सामंजस्य न हो तो शासन में गतिरोध पैदा हो जाता है। वहां राजनीतिक दलों द्वारा औपचारिक रूप से दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है तथा कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य भी दलीय आधार पर ही निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार जो राजनीतिक दल राष्ट्रपति और कांग्रेस को जोड़ने का कार्य करते हैं यानी कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है। और अगर शासन में गतिरोध पैदा होता है तो जो राजनीतिक दल है वो सामंजस्य दोनों में सामंजस्य बैठाने का कार्य करते हैं। तीसरा मैंने लिखा है राष्ट्रीय एकता स्थापित करना यानी जो अमेरिका है वो काफी विशाल देश है, विभिन्न भाषा जाति और धर्म के लोग वहां निवास करते हैं। विविधता वाले देश में संपूर्ण देश की एकता को सूत्र में पिरोने का कार्य राजनीतिक दल ही कर रहे हैं। वहां जो राजनीतिक दल है वहां कर रहे वो कहते हैं कि विभिन्न जातियों धर्मों संस्कृतियों व्यवस्थाओं के लोगों में एकता बनाए रखने में राजनीतिक दल सीमेंट का कार्य करते हैं यानी कि राजनीतिक विचार करें आग तथा रेत तो वो लिखते हैं कि विभिन्न जातियों धर्मों संस्कृतियों व्यवस्थाओं के लोगों में एकता बनाए रखने में राजनीतिक दल सीमेंट का कार्य करते हैं यानी कि उनको जोड़ने का वो कार्य करते हैं। अगला मैंने लिखा है निर्वाचन संबंधी कार्य यानी कि जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या विभिन्न प्रकार के जो चुनाव होते हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा ही जो है किए जाते हैं। अमेरिका में जो राजनीतिक दल है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राजनीतिक दल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रतिनिधि व सीनेट के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राजनीतिक दलों के अलावा उन संस्थाओं के चुनाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो निर्वाचनों के दौरान उनका काफी इम्पोर्टेंट योगदान रहता है। तो ये आपका छोटे जो सवाल है उसमें पांच नंबर में पूछा जा सकता है। संविधान के क्रियान्वयन में दलों का योगदान, कांग्रेस तथा कार्यकारिणी का मध्य सामंजस्य स्थापित करना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना और निर्वाचन संबंधी कार्य। तो उसमें से आपको परीक्षा की दृष्टि से बड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा, लगभग पांच नंबर का सवाल इसमें से आपको पूछा जा सकता है। अब अमेरिकी दलीय प्रणाली की आलोचना के बिंदु यानी कि जो अमेरिका की दलीय प्रणाली है उसकी आलोचना किन बिंदुओं किन तथ्यों के आधार पर की जाती है वो देख लेते हैं। पर इसमें दलों का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं, विचारधारा संबंधी भेद के अभाव में दल सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने वाले गुट बने रहते हैं। जैसे अपन ने अभी पढ़ा दलीय प्रणाली की विशेषताओं को, न तो विचार संबंधी में अंतर पाया जाता है, न जो है सैद्धांतिक आधार कोई नहीं पाया जाता। दूसरा जो आलोचना का बिंदु है कि राजनीतिक दल के सदस्य अपने दल के प्रति निष्ठावान नहीं होते और उनके द्वारा दलीय अनुशासन की जो है अवहेलना की जाती है। तीसरा एक आलोचना का बिंदु है कि लूट व्यवस्था आगे अपने पड़ा स्पल सिस्टम वहां पाई जाती है। तो ये एक तरह से भ्रष्ट पड़ता है इसको अपन कह सकते हैं। इसमें विजय होने वाला कैंडिडेट अपने परिचितों को सार्वजनिक पदों पर लगाता है। नंबर चार आलोचना का बिंदु है कि अमेरिका में राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति और अन्य चुनाव में बहुत अधिक धनराशि जो है खर्च
भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। एक आलोचना का बिंदु है कि दलीय व्यवस्था में संगठन का आधार विकेंद्रीकरण है, दलों के राष्ट्रीय और स्थानीय संगठनों में सामंजस्य का अभाव है। तो ये आप अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि अमेरिका में दलीय व्यवस्था की आलोचना, तो वो सैद्धांतिक आधार नहीं, विचारधारा संबंधी कोई भेद नहीं होता। जो ग्रुप सिस्टम पाया जाता है वहाँ सार्वजनिक पदों के लिए जो चुनाव में जो खर्च होता है वो बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो है वहाँ की दलीय प्रणाली की आलोचना के बिंदु है। एक बात अगर आपसे पूछ जाए कि इंग्लैंड की जो दलीय प्रणाली है और जो अमेरिका की जो दलीय प्रणाली है उसमें क्या अंतर है, आपको दो या तीन अंतर आपसे पूछे, उसमें है विचारधारा संबंधी अंतर, यानी कि अमेरिका में भी आपने बताया कोई विचारधारा संबंधी कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता। तो वहां भी दो ही राजनीतिक दल है, मजदूर दल है, अनुदार दल और मजदूर दल, तो उनमें एक दल पूंजीवादी और दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थक रहा है। और अमेरिका में दोनों दलों विचारधारा का संबंध गंभीर अंतर उसमें नहीं है। तो एक तो अंतर हो गया विचारधारा संबंधी अंतर है, दूसरा है संगठन संबंधी अंतर। संगठन संबंधी यानी कि ब्रिटेन में जो राजनीतिक दल वो बिल्कुल संगठित रूप से और नियमों का पालन करने वाले हैं, जबकि ऐसे अमेरिका में नहीं है। यानी कि अमेरिका में जो राजनीतिक दलों का जो भाषा है वो रिया डाला संगठन है। राजनीतिक सक्रियता संबंधी अंतर भी पाया जाता है, लोकप्रियता संबंधी अंतर भी पाया जाता है। तो ये इनमें मोटा मोटा अंतर हो गया। तो एक बार मैं दोबारा से जो इस चैप्टर के जो सवाल है वो आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा। यहाँ जो मोस्ट सवाल है वो आपको बता रहा हूँ मैं, कि आपसे पूछा जाए कि अमेरिकी दलीय प्रणाली की विशेषता है, तो दलीय प्रणाली पाई जाती है, वहाँ दलीय व्यवस्था का जो लक्षण है वो रिया डाला संगठन है। एक परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि अमेरिका के दो महान राजनीतिक दल दो बोतलों के समान हैं, जिन पर दो विभिन्न शराब के लेबल चिपके हुए परंतु दोनों खाली हैं। जिन्हें किसके द्वारा कहा गया, कि लॉर्ड राइस के द्वारा कहा गया। दो अंदर मैंने आपको बता दिया, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। लूट पद्धति इसराइल सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए तो उसका उत्तर आपको अमेरिका ही बताना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मौसम जो मैंने आपको सवाल बताए हैं इनमें से आपको छोटा सवाल पूछा जा सकता है। तो पहली टाइम आपने ब्रिटेन का संविधान पढ़ा, दूसरी टाइम अमेरिका का संविधान पढ़ा, तो लगभग आज आगे वाली क्लास में पढ़ाने वाले टॉपिक को देखेंगे। तो लगभग जो मैंने संविधान का जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, संविधान की विशेषताएं पढ़ी, न्याय पुनर्वलोकन की व्यवस्था पढ़ी, अमेरिका की न्यायपालिका के बारे में करने पड़ा, तो सवाल लगभग इन्हीं में से आपका बड़ा सवाल बनेगा। तो आप लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए लगातार, एक चीज एक बार याद नहीं तो बार तीसरी बार अगर लगभग आपको याद हो ही जाएगी। तो जो ब्रिटेन का जो संविधान है और अमेरिका का संविधान है दोनों को बिल्कुल पूरा कम्प्लीट आपको पढ़ना है, जैसे अपना स्विट्जरलैंड का या जैसे जापान का आपको पढ़ा होगा चीन का, तो उनमें अपन देखेंगे कि कौन सा वाला बता दूंगा आपको कौन सी वाला पढ़ना है। लेकिन जो ब्रिटेन और अमेरिका का जो संविधान है वो आपको कंप्लीट पढ़ना है, आगे वाली क्लास में पढ़ा।